हे गाइस, मैं खड़ी हूँ हीरा नंदानी पवई में और मैंने सुना है कि इसे मुंबई का मिनी यूरोप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एनआरआईज। जिस एरिया भी माना जाता है, इस एरिया को आईटी हब भी माना जाता है और साथ साथ जितने भी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड ऑफिस भी इसी एरिया में है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हीरा नंदानी गार्डन्स पवई को, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यहाँ की फेमस गैलेरिया मार्केट जहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट सभी कुछ अवेलेबल है। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और बाकी इंजॉय करते हैं। यहाँ मार्केट में हमने एंट्री कर ली है और सबसे पहले हमें पानी पूरी का एक आउटलेट दिख गया, जिससे तो मतलब मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ लिए कि बाद में खाएंगे, पहले थोड़ा सा शॉपिंग या जो भी चीज़ें हमें देखनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे मोबाइल फ़ोन्स के कवर का दिखा जो कि बहुत स्मार्ट कवर्स थे। यहाँ पर फुटवेयर का था तो यहाँ मैंने एक ये पिंक वाला फुटवेयर उठाया जो कि मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था। इसकी जो रेंज थी उन्होंने 450 बताई थी और मैं उन्हें कुछ कम करने के लिए बोल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं की कम, कुछ भी कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसको रख दिया। आगे हम चल दिए तो ये यहाँ पर स्लिंग बैग्स थे, बैग्स का कलेक्शन था। अंदर भी शॉप्स हैं, यहाँ पर ये इयररिंग्स का पूरा आउटलेट है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े और छोटे हर तरह के इयररिंग्स हैं, पूरा सेट दिए हैं, बैंगल्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। झुमकी हैं, बहुत स्मार्ट लग रही थी, तो बहुत स्मार्ट स्मार्ट सा कलेक्शन था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो यू नो हर कलर की साड़ी के साथ, हर कलर के सूट्स के साथ मैचिंग हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये स्लीपवेयर जो लोवर्स हैं वो थे जो कि बहुत प्रिटी कलर में थे, पिंक कलर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो रेंज थी वो थी 150 और ये जो शॉर्ट्स थे वो 100 रुपीज़ के थे, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रीज़नेबल लग रहा था। तो हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह यहाँ पर भी हर तरह की शॉप थी, बच्चों के लिए भी शॉप्स थी, जेंट्स वेयर, वेमेन वेयर, हर तरह की शॉप्स थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है ना, वो हर जगह जब भी शॉपिंग की बात आती है तो सबसे ज़्यादा लेडीज़ का ही कलेक्शन होता है, जो कि यहाँ भी मैंने पाया कि लेडीज़ का कलेक्शन सबसे ज़्यादा था। यहाँ सब नीचे देखने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा फूड कोर्ट में जाया जाए और कुछ खाया जाए, देखा जाए कुछ क्या है। तो सबसे पहले ये चाइनीज़ का आउटलेट आ गया था, तो यहाँ इन भैया ने मुझे मेन्यू दिया और इतनी बड़ी बिग वाली स्माइल दी मुझे, क्योंकि ये जानना चाह रहे थे कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रही हूँ। ये जो पूरा फूड कोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको चाइनीज़, यहाँ पर देखिए फ़िश के ऑप्शन हैं, फ़िश है, चिकन है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन मिल जाएगा, वेजिटेरियन, चाइनीज़, इटालियन। अगर आप पंजाबी फूड पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको पंजाबी फूड भी मिल जाएगा, जिसमें कि पराठा वर्ड यहाँ का बहुत ही फेमस आउटलेट है। सेकेंड फ्लोर है, ये पूरा ओवरऑल लुक हो गया। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये जो तो बड़ा सा जो फ़ैन था ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। अब हम उतर गए हैं नीचे और अब हम हैं बाहर, तो जब हम बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न वेयर के हैं, ड्रेसेस हैं, 200 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं बाहर और बाहर से ओवरऑल लुक फॉर हीरा नंदानी पवई। अब हम चल दिए हैं दूसरी तरफ और वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये जो पूरा रोड है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, लाउंज, बार्स और काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा हैंगआउट प्लेस है ये, क्योंकि ऑफिसेज हैं तो ऑफिसेज की जो पार्टीज़ होती हैं वो भी इसी एरिया में, यहीं के लाउंजेस में, यहीं के बार्स और पब्स में होती हैं, तो इसलिए बहुत फेमस यंगस्टर्स के लिए स्पेशली बहुत ही फेमस हैंगआउट प्लेस है।
सारी चीज़ें यहाँ पर खाने की अवेलेबल हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ग्रेट पंजाब और मोमोज, वाओ मोमोज, केवेंटर्स, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और ज़्यादातर लोग फूड कोर्ट में कम खाते हैं। इस एरिया में अगर आप यंगस्टर्स की इवनिंग में जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आज कम थी लेकिन हमेशा यहाँ पर एकदम भीड़ रहती है, यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं होती है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल आउटलेट पे जिसका नाम है बॉम्बे फ्राइज़, और हम वहाँ खाने जा रहे हैं तंदूरी मोमोज़। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बॉम्बे फ्राइज़ के पास, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनके पास। मैंने यहाँ लिए हैं ये तंदूरी अचारी मोमोज़ जो कि बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही यम्मी थे। साथ में मैंने लिया था ये क्रिस्पी चीज़ पटेटो। तो कैसे लगे ये तंदूरी अचारी मोमोज, आपको क्रेविंग हुई कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड एंजॉय वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।